दोस्तों, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति मार्च माह से पहले मुख्यमंत्री, ये बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुमोदित विद्यालयों में शिक्षक बनने के कगार पर अपना भविष्य देख रहे हैं और जिनका TET क्वालिफाइड है, वही लोग अब जो बहुत दिनों से रुके हुए थे शिक्षक बनने के लिए, तो उनके लिए यह खास का न्यूज है। क्या है न्यूज, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। अच्छी खबर, दुर्गा पूजा से पहले 24,500 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति मार्च माह से पहले मुख्यमंत्री। नियुक्ति मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी और किसी लॉबिंग की जरूरत नहीं होगी। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है वे नौकरी के लिए पात्र हैं। अदालती मामलों के कारण नियुक्तियां अटकी हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। आइए फिर विस्तार से जानते हैं इस न्यूज को। CM ने कहा मेरिट के आधार पर की ही मिलेगी नौकरी। 2015 में हुई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अगस्त 2015 में आयोजित की गई थी और परिणाम सितंबर 2016 में घोषित किए गए थे। साक्षात्कार के परिणाम अगस्त 2019 में जारी किए गए थे। इन परीक्षाओं में लगभग 5,00,000 अभ्यर्थी बैठे थे। पिछले साल दिसंबर में सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि प्राथमिक स्तर पर 16,500 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये न्यूज है दोस्तों, आज 22 तारीख मंगलवार के दिन का न्यूज है। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये घोषणा की है। आगे देखते हैं, प्रभात खबर का न्यूज है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर बड़ी घोषणा की। मंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2022 तक कुल 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इनमें से 14,000 उच्च प्राथमिक और 18,000 प्राथमिक शिक्षक शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 32,000 में से 24,500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दुर्गा पूजा से पहले प्रदान कर दिया जाएगा। पूजा से पहले 14,000 उच्च प्राथमिक शिक्षकों एवं 10,500 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं पूजा के बाद मार्च से पहले तक बाकी 7,500 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान सुश्री बनर्जी ने कहा कि कोर्ट में मामला लंबित होने से चलते शिक्षकों की नियुक्ति का मामला अटका था। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। नौकरी के लिए किसी के पास पैरवी करने की जरूरत नहीं है, प्रतिभा के आधार पर भी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ममता ने वादा किया था कि सत्ता में वापस लौटने पर वह रोजगार के नए अवसर का सृजन करेगी और शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न हुई बाधाओं को दूर करेगी। उसी वादे के अनुसार नई सरकार बनने के करीब 1.5 महीने बाद सुश्री बनर्जी ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने फरवरी में प्राथमिक शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। आगे पढ़ते हैं, यह आदेश नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं
के बाद पारित किया गया था, जिन्होंने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची में उनका नाम नहीं आने के बाद विसंगतियों का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय ने बाद में पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग यानी कि WBCSSC को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि योग्य उम्मीदवार को नहीं छोड़ा जाए और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुरू में आयोग को 10 मई तक साक्षात्कार सूची प्रकाशित करने के लिए कहा था। बाद में न्यायालय ने न्यायालय को कोविड महामारी को देखते हुए उन्हें कुछ और समय दिया था। तो ये जो आपके समक्ष न्यूज है, 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति मार्च से पहले मुख्यमंत्री जी करा देंगी, और इनमें से आपका 32,000 में 14,000 उच्च प्राथमिक है और 18,000 प्राथमिक शिक्षक है, जिनमें से 24,500 को पूजा के पहले आपका नियुक्ति मिल जाएगी, और बाकी 14,000 में उच्च प्राथमिक शिक्षकों का होगा और 10,500 का प्राथमिक शिक्षकों में नियुक्ति होगा पूजा के पहले, और 7,500 जो है आपका पूजा के बाद यानी मार्च माह में हो जाएगी। और अभी जो नया TET हुआ है उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और नेक्स्ट TET कब होगा वेस्ट बंगाल के द्वारा इसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी फ़िलहाल इन जो पुराने नियुक्तियों के लिए अभी बात की गई है। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल YouTube ज्ञान साझा चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।